राजधानी देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी न्याय यात्रा निकाली, जो कि हाथी बड़ कला से लेकर गांधी पार्क तक निकाली गई। इस यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि अंकिता हत्याकांड में उनके माता पिता ने एक वीआईपी का नाम लिया है, जिसका सरकार ने नाम उजागर नहीं किया है। उनका नाम सरकार को उजागर करना चाहिए। इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष ने भी वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग की है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, पहले दिन से ही भाजपा अंकिता की हत्या के मामले को बुलडोज करने की कोशिश कर रही थी। अब हाई कोर्ट के अंदर साक्ष्य के दौरान एक गवाह ने कहा है कि किसके कहने पर उसने बुलडोजर चलाया। बुलडोजर चलाने का मतलब अंतरा रिजॉर्ट में साक्ष्य नष्ट करना। साक्ष्य नष्ट करना एक गंभीर अपराध है, और उनका नाम लेकर के कहा है तो उनके खिलाफ FIR दर्ज करें और एडिशनल चार्जशीट उन लोगों के साथ कोर्ट में रखें ताकि उसकी ट्रायल हो सके। अंकिता ने अपने वीडियो में कहा कि एक VIP आ रहे हैं कल और उनको विशेष सेवा देने के लिए मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है। के नाम को उजागर नहीं करना चाहती है, सरकार इस मामले को दबाना चाहती है और सरकार नहीं चाहती कि वो चेहरा बेनकाब हो। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो कहती है नैतिकता की बात करती है, जो चरित्र की बात करती है, जो महिलाओं की बात शक्ति की अस्मिता की बात करती है, वो सब एक दिखावा है, ढोंग है। और सत्ता में मद में चूर होकर प्रचंड बहुमत की सरकार जो बनी है, ये अहंकार में डूबी सरकार ये नहीं चाहती कि उस चेहरे को बेनकाब करके जनता के सामने ले जाए, जिससे कि सच्चाई सामने आ सके। आखिरकार वो VIP कौन था जिसके लिए उसकी हत्या कर दी जाती है।